नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोर्जस फैन ने रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, एपी कमीशन के ऊपर चर्चा जोरों शोर पे है। जहां जहां तहां न्यूज़पेपरों में आपको देखने को मिल जाएगा हर जगह कि एपी कमीशन आने वाला है और एपी कमीशन में कमिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब चुनाव का माहौल आ रहा है और अगले साल चुनाव है, जिससे एपी कमीशन के ऊपर चर्चाएं जोर शोर पे है। और आइए देखते हैं आखिर में इसमें क्या है एट पे कमीशन के ऊपर। वहीं पे देखने को सुनने को मिल रहा है कि 3.68 टाइम हायर फिटमेंट फैक्टर होगा, जो 3.68 के रेशियो से बढ़ेगा, जिससे 44.44% बेसिक आपकी बढ़ने की संभावना है। वहीं पे दोस्तों कुछ जगह ये देखने को ये भी मिल रहा है, ओवरऑल उसे देखा जाए तो गवर्नमेंट एट पे कमीशन का डेट जो जनवरी 2026 से लागू हो जाता है, दो साल पहले ही इसकी कमेटी तैयार की जाती है। और एट पे कमीशन का जो डेट है जो जनवरी 2026 से लागू होगा, और इससे दो साल पहले ही कमेटी तैयार हो जाती है और गठित कर दी जाती है। वहीं पे एट पे कमीशन में कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि मिनिमम सैलरी जो 25,000 है वह एक्सेप्टेड रहेगी और इससे ऊपर ही हो सकती है। अगर 3.68 की एवरेज दिया जाए तो 44,000 के करीब आपका मिनिमम सैलरी हो जाएगी। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एट पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे 2.5 जैसे पुराना था 2.57, अगर 2.57 वे लिया जाता है तो 18,000 से लेकर मल्टीप्लाई करने में 2.57 से 46,260 रुपये हो जाता है। वहीं पे अगर रिकमेंडेड अगर 3.68 हो जाता है तो वहीं पे 3.68 अगर फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है तो 66,240 रुपये हो जाता है। इस प्रकार से देखना है दोस्तों आगे होता क्या है, वैसे कौन सा फिटमेंट फैक्टर लिया जाएगा, ये तरह तरह के न्यूज चैनल तरह तरह के न्यूज पेपरों में अलग अलग इसमें दिखाया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं फोर्थ पे कमीशन की, इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रहा। जो फोर्थ पे कमीशन है इसमें फिटमेंट फैक्टर कुछ नहीं रखा गया था, वहीं पे पे हाई परसेंटेज था तो 27.6% पे हाइक हुआ था और मिनिमम बेसिक सैलरी 750 रुपये हुई थी। वहीं पे फिफ्थ पे कमीशन में देखा जाए तो इस फिटमेंट फैक्टर कुछ नहीं रखा गया था, लेकिन परसेंटेज हाइक सैलरी का 31% हुआ था, जिससे 750 से लेके 2550 रुपये हो गई थी। सिक्स पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया और परसेंटेज हाइक हुई थी 54%, यानी 7,000 आपकी मिनिमम पे हो गया था। वहीं पे सेवेंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का देखा जाए तो यहाँ पे 2.57 से 2.81 तक हुआ था और पे हाइक परसेंटेज के लिया जाए तो यहाँ पे 14.29% हुई थी, जिसमें मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपये फिटमेंट किया गया था, जिसमें मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपये की गई थी। वहीं पे दोस्तों एट पे कमीशन में अभी देखा जाए तो इसके लिए यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, फिटमेंट फैक्टर कितना पे बढ़ेगा और पे हाइक परसेंटेज कितना होगा और मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि एट पे कमीशन वेन भी डीए बढ़ने के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है, और वहीं पे 31/12/2025 तक अगर 70% अगर डीए हो जाता है तो इसके ऊपर एट पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 1.7 कैलकुलेट किया गया है द फिटमेंट फैक्टर। इस प्रकार से एट पे कमीशन में सैलरी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक नज़र इसके ऊपर देखा जाए तो जो 1.7 फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की बात हो जा रही है एट पे कमीशन, इसके अनुसार 1.7 बढ़ने की बात हो रही। वहीं पे इसमें एक नज़र में देखा जाए तो फोर्थ पे कमीशन में आपका 26, वहीं पे इसमें एक नज़र से देखा जाए तो इसमें फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से बढ़ा है, पे कमीशन यहाँ पे दिया है, फिटमेंट फैक्टर दिया है और कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो मिला है, और यहाँ पे मिनिमम पे कितना था वो दिया है स्टार्टिंग पे। वहीं पे फोर्थ पे कमीशन की बात की जाए तो 27.6% था और 750 रुपये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर था। वहीं पे फिफ्थ सीपीसी के अंदर 31% इंक्रीज हुआ था पे और मिनिमम पे 2550 रुपये रखा गया, मतलब यहाँ से कितना गुना यहाँ पे बढ़ाया गया। वहीं सिक्स पे कमीशन में 1.86 फिटमेंट फैक्टर बैठाया गया और 54% इंक्रीज हुआ, यहाँ पे
इस पॉइंट का कितना बढ़ा गया, मिनिमम सैलरी आपकी 7,000 रुपये रखी गई और यहाँ पे 2550 से लेकर कितना ट्रीटमेंट फैक्टर बढ़ा इसको आप देख सकते, 7,000 रुपये तक हो जाता है। वहीं पे सेवंथ पे कमीशन में 2.57 ट्रीटमेंट फैक्टर रखा गया और इसमें सैलरी बढ़ती है 14.29 और यहाँ पे मिनिमम आपकी सैलरी हो जाती है 18,000। और इस प्रकार देखते हैं एट सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है, वो कि वैसे डी अगर 70% अगर डी आपका हो जाता है तो ऐसा माना जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार 1.7 फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। लेकिन वहीं पे न्यूज चैनलों का तरह तरह के न्यूज पेपरों का अलाउंस है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका बनेगा। तो अगर इसकी अगर दोस्तों इसके हिसाब से हो जाता है तो आपकी मिनिमम अगर 3.68 हो जाता है तो 44,000 के करीब मिनिमम सैलरी आपकी हो जाएगी और वहीं पे 1.7 के हिसाब से होता है तो 25,000 के करीब आपका मिनिमम सैलरी आपका डिसाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पे कमीशन के ऊपर तरह तरह की बातें फैल रही हैं और तरह तरह के अफवाहें आ रही हैं और किस प्रकार डिसाइड होगा और क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस प्रकार से आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।